अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। मैं विनोद चौधरी आपके लिए अगेन वीडियो लेकर आया जिसमें हम एक्सरसाइज 7.1 से पहले जो एग्जांपल है वो करेंगे। तो कल अपन ने 8 एग्जांपल कर लिए थे, आज एग्जांपल 9 से 12 तक। तो कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, ये पार्ट एक्सरसाइज में आ चुका है जो 8 पावर वाला अपन ने क्वेश्चन किया था, साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8 वाला वो सेम है। तो उसमें जो ये इतना पार्ट आया था तो वो का वो सेम क्वेश्चन है, तो सेम होगा वो यहाँ करना है। तो कोस की पावर 4 थीटा उसको अपन स्क्वेयर का स्क्वेयर बना लेंगे, तो कोस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर माइनस साइन की पावर 4 है उसको लिख लेंगे साइन स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर, क्योंकि पावर है वो 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ रहा है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्म है तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये आइडेंटिटीज आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। ए की जगह यहाँ पे, ए की जगह यहाँ पे है कोस स्क्वेयर थीटा, बी की जगह है साइन स्क्वेयर थीटा। अब ए प्लस बी तो कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, ए माइनस बी तो कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अब ये आइडेंटिटीज, ये फर्स्ट है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 होता है तो इसकी जगह लिख दिया 1, और आगे है कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू, अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, आंसर लाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, ये आंसर लेकर आना है। तो यहाँ पे जो 2 साइन स्क्वेयर थीटा है यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है वो साइन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ तो साइन स्क्वेयर है इस कोस स्क्वेयर को साइन स्क्वेयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला लिखेंगे कोस स्क्वेयर की जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वेयर, इस कोस स्क्वेयर की जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और एक आगे माइनस का साइन स्क्वेयर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर दोनों ही माइनस के हैं तो ये एड हो जाएंगे तो 2 साइन स्क्वेयर थीटा ही आ गया। तो ये भी पूछ सकता है दूसरा 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1, तब आप इसके बाद में इसको cos में चेंज कर लोगे तो वो उस क्वेश्चन में अपन ने किया हुआ है एक्सरसाइज में आया था, तो इस साइन स्क्वेयर की जगह लिख लोगे 1 माइनस cos स्क्वेयर तो ये आ गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10, P is equal to sin theta plus cos theta and Q is equal to sec theta plus cosec theta, then prove that Q P square minus 1 is equal to 2P। तो ये क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज का जो लास्ट 2 क्वेश्चन थे 29 और 30 उस क्वेश्चन की तरह ये वैल्यू पुट करके करेंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में Q मल्टीप्लाई P square minus 1 है तो ये P और ये Q की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद अपने को ये मिलेगा Q की वैल्यू, Q की वैल्यू है sec theta plus cosec theta, sec theta plus cosec theta ये है P की वैल्यू, मल्टीप्लाई आगे स्क्वेयर लगेगा तो यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे P का स्क्वेयर, तो P की वैल्यू है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वेयर, ये हो गया P स्क्वेयर माइनस 1। अब यहाँ A प्लस B का होल स्क्वेयर आइडेंटिटी लगेगी, sec थीटा प्लस cosec थीटा है तो देखो आंसर में अपने पास 2p आ रहा है यानी sin और cos में आंसर आ रहा है, तो इसको अपन sin cos में चेंज कर लेंगे तो sec होता है वो 1 अपॉन cos थीटा होता है प्लस cosec होता है वो 1 अपॉन sin थीटा होता है, a का स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab करेंगे तो 2 sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा और आगे माइनस का 1। अब ये साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इसकी जगह लिख देंगे 1 क्योंकि आइडेंटिटी फर्स्ट है ये, इसका ले लेंगे एलसीएम तो कोस और साइन ये दोनों डिफरेंट है डिनोमिनेटर में तो एलसीएम आ जाएगा साइन इनटू में कोस थीटा, अब कोस से इसको डिवाइड करेंगे कोस कैंसिल हो गया साइन बचेगा, साइन का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा प्लस
साइन का डिवाइड करेंगे साइन कैंसिल होएगा, कोस बचेगा, कोस का मल्टीप्लाई वन से होगा तो कोस थीटा। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे वन प्लस आगे टू साइन थीटा कोस थीटा माइनस का वन, ये वन प्लस का है और इधर वन है माइनस का, तो ये कैंसिल हो गए दोनों। इधर रिमेनिंग पार्ट है वो लिख देंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, और इधर वाले ब्रैकेट का रिमेनिंग पार्ट टू साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब ये साइन इंटू कोस से ये साइन इंटू कोस हो गया कैंसिल, ये टू बचा, यहाँ पे टू का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा है ये किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू है, तो इसकी जगह लिख देंगे पी, तो टू पी ये लेकर आना था राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से करेंगे इस एग्जांपल को, अच्छा एग्जांपल है ये, बोर्ड सप्लीमेंट्री 2018 के अंदर आया अभी है। नेक्स्ट एग्जांपल 11 मोस्ट है इस साल के लिए, 11 और 12 दोनों एग्जांपल, तो आप इन दोनों को अच्छी तरह से ध्यान में देखना, दोनों में से एक एग्जांपल जरूर मिलेगा 100%। तो 11 नंबर एग्जांपल है कोट ए प्लस कोस एक ए माइनस वन अपॉन कोट ए माइनस कोस एक ए प्लस वन, आंसर लाना है वन प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ पे ये स्पेशल आइडेंटिटीज लगानी है, यहाँ पे जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन था जिसमें अपने को आंसर लेकर आना था साइन थीटा पी स्क्वेयर माइनस वन अपॉन पी स्क्वेयर प्लस वन वाला जो क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन 29, तो यहाँ पे अपने को उसी तरह वहां पे तो अपने दोनों वन की जगह अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे ओनली न्यूमरेटर में जो वन है ना उसकी जगह पे, देखो ये कोट और कोसेक में इक्वेशन, तो कोट और कोसेक में जो स्क्वायर में आइडेंटिटी है वन, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो वन के इक्वल आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये कोट स्क्वायर थीटा, राइट साइड में जाएगा तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये आइडेंटिटीज अपन इस न्यूमरेटर वाले वन में अप्लाई करेंगे, उसके बाद का प्रोसेस। अब यहां पे डिनोमिनेटर है वो सेम लिख देंगे एज इट इज कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, और न्यूमिनेटर में कोट ए प्लस कोसेक ए, और ये माइनस वन है तो वन से पहले माइनस है तो इसको अपने ब्रैकेट में लिखेंगे, वन की जगह लिख देंगे कोसेक स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए, ये लिख दिया वन की जगह। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की तरह ओपन करेंगे इसको, बाकी सेम उतार देंगे एज इट इज। तो इसका डिनोमिनेटर है वो कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, और न्यूमिनेटर में कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी लगाएंगे आइडेंटिटीज में, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट। अब इसको लिख देंगे ए प्लस बी, तो ए की जगह कोसेक ए, बी की जगह है कोट ए, तो ए प्लस बी हो गया, दूसरा ए माइनस बी तो कोसेक ए माइनस कोट ए, ये हो गया ए माइनस बी। अब उस क्वेश्चन नंबर 29 में जैसे कॉमन लिया था उसी तरह यहाँ पे अपने को कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है कोट ए प्लस कोसेक ए, तो इन दोनों से न्यूमिनेटर में कॉमन ले लेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए, डिनोमिनेटर वो सेम का सेम कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, ये सेम लिख देंगे। अब न्यूमिनेटर के अंदर कॉमन आ गया कोट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन आने के बाद अपने पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो बचेगा, ये कॉमन आ चुका है तो यहाँ से बचेगा वन, आगे माइनस का साइन, अब ये कॉमन आ चुका है तो इसके बाद वाला जो ये पार्ट है ये बचेगा, तो इससे बाहर माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक ए तो हो जाएगा माइनस का, और आगे प्लस कोट ए हो जाएगा प्लस का। अब देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर ये और ये पार्ट सेम है, बस इनको आगे पीछे लिखा हुआ है, तो आप इनकी जगह तो इसको इसके जैसा बना करके या इसको इसके जैसा बना करके आप है इन दोनों को कैंसिल कर दोगे, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो है कोट ए प्लस कोसेक ए। अब आंसर आ रहा है कोस और साइन के अंदर, तो अपने को इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, तो कोट होता है वो कोस ए अपॉन साइन ए हो गया, और प्लस कोसेक होता है वो वन अपॉन साइन ए होता है, इन दोनों का जो एलसीएम आ गया साइन ए, तो साइन ए से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वन, वन का कोस ए से इंटू करेंगे तो कोस ए प्लस साइन का साइन में डिवाइड करेंगे वन, वन का वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, ये लेकर आना था आपको आर एच एस, तो इज इक्वल टू आर एच एस, आप जाओ तो इसको वन प्लस कोस ए लिख लीजिएगा इज इक्वल टू आर एच एस आ गया, हैंस प्रूव। तो
आपको यहाँ इन दोनों वन की जगह पे ये आइडेंटिटीज नहीं लगानी है। अगर दोनों वन की जगह लगा ली तो ये कैंसिल नहीं होंगे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से कैंसिल होगा, तो आपको जो ओनली न्यूमिनेटर में वन है उसकी जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटीज लगानी है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12, मोस्ट एग्जाम्पल है इस साल के लिए। तो यहाँ पर ये दो पार्ट दे रखे हैं और इसके इक्वल आपको 10 स्क्वायर लेकर आना है, तो बोर्ड के अंदर जब आएगा तो मोस्टली ये आएगा दोनों, इसके इक्वल में आपको 10 स्क्वायर प्रूव करना है। अब आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के इक्वल भी 10 स्क्वायर लेकर आना है और 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर के इक्वल भी 10 स्क्वायर ए लेकर आना है। पहले अपन इसको लेते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो ये दोनों के दोनों डायरेक्ट आइडेंटिटीज है, ये सेकंड और ये थर्ड। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है वो sec स्क्वायर ए होता है अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर ए। आंसर लेकर आना है 10 स्क्वायर ए। अब दोनों पे जो स्क्वायर है तो इसको अपन कॉमन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, sec a अपॉन cosec a का होल स्क्वायर। अब sec और cosec है उन दोनों को अपने sin cos में चेंज करेंगे क्योंकि अपने को 10 में आंसर लेकर आना है, तो अभी 10 बड़ा नहीं है तो इससे 10 बढ़ाने के लिए अपने को sin अपॉन cos की फॉर्म चाहिए, तो sec को लिख लेंगे 1 अपॉन cos a और अपॉन में cosec को लिख लेंगे 1 अपॉन sin a और ये इसके ऊपर है ये स्क्वायर। अब 1 अपॉन cos a और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा sin a अपॉन 1, तो 1 अपॉन cos a का मल्टीप्लाई होगा sin a अपॉन 1 से, तो ये इसका होल स्क्वायर। तो अपने पास ये बन गया है sin a अपॉन cos a का स्क्वायर, sin अपॉन cos होता है 10, तो ये 10 स्क्वायर a, तो ये आ गया राइट हैंड साइड। इतना छोटा तो आएगा नहीं एग्जाम में, तो इसके इक्वल ये प्रूव करना होगा, जब ये प्रूव करना हो तब आपको ये लेना लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 10 a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। अब आप इसको साइन कोस में चेंज करके भी कर सकते हो। अब आंसर यहाँ 10 में आ रहा है तो ऐसा भी कर सकते हो आप, न्यूमिनेटर वाला 10 है उसको तो 10 ही रखो और इस कोट a की जगह 1 अपॉन 10 a से भी कर सकते हो। तो एग्जांपल में साइन कोस से किया हुआ है और आप इसको 10 से करो तो वो भी छोटा रहेगा, तो अगर आपको साइन कोस वाला देखना है तो एग्जाम्पल में देख लेना, मैं इसमें 10 में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो 10 में कैसे करेंगे कि न्यूमिनेटर वाला है उसको एज इट इज रखेंगे 1 माइनस 10 a, डिनोमिनेटर में वो 1 माइनस कोट को लिख लेंगे 1 अपॉन 10 a होता है ये और इसके ऊपर है ये स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर में आया उसका अपने एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 1 और 10 का आ जाएगा 10 a एलसीएम। अब ये न्यूमिनेटर के अंदर या ऊपर वाले न्यूमिनेटर के अंदर अपने पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो है 1 माइनस 10 a। अब यहाँ 10 a एलसीएम आने के बाद 10 a एलसीएम आने के बाद 1 का डिवाइड करेंगे तो 10 a, 10 a का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 a माइनस 10 a का 10 a में डिवाइड करेंगे 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ गया। अब ये है इसके अपॉन में और इसके ऊपर है ये होल स्क्वायर। अब ये अपॉन में तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1 माइनस 10 a और इसका मल्टीप्लाई होगा 10 a अपॉन 10 a माइनस 1 आएगा, तो 10 a अपॉन में 10 a माइनस 1 और ये इसका होल स्क्वायर। अब देखो अपने को 10 स्क्वायर लेकर आना है तो वो 10 स्क्वायर इससे बनेगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो अभी देखो ये a माइनस b है तो ये b माइनस a है, तो आप इससे या अपॉन वाले से माइनस कॉमन लेकर के अदरवाइज आप इस स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 1 माइनस ये 10 a का भी स्क्वायर है मल्टीप्लाई में ये 10 स्क्वायर a भी है अपॉन में 10 a माइनस 1 का भी स्क्वायर है, तो ये जो a माइनस b का स्क्वायर या b माइनस a का स्क्वायर होता है ये दोनों इक्वल होते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर या b माइनस a का होल स्क्वायर ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इनका स्क्वायर करने के बाद दोनों इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल होते हैं तो आप यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो है 10 स्क्वायर a, ये आपको आंसर लेकर आना था राइट हैंड साइड। Hence proved. आप जाओ तो इसको साइन कोस में चेंज करोगे तो फिर एक जगह तो आएगा साइन ए माइनस कोस ए और दूसरा अपॉन में आएगा वो कोस ए माइनस साइन ए, तो उसी तरह आप इसमें स्क्वायर करके और उसको कैंसिल कर सकते हो, तो एग्जांपल अच्छा है बोर्ड के अंदर आ सकता है।